रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 9 दिनों से जारी जंग अब थमने का नाम नहीं ले रही। जगह जगह तबाही का मंजर दिख रहा है। आग की लपटों में शहर घिरा हुआ है और हर तरफ दिखाई दे रहा है मौत का सन्नाटा। आखिर क्या होगा इस जंग का नतीजा और कितने लोगों को चढ़ना पड़ेगा इस जंग की भेंट? रूसी फौज का जवाब देने के लिए प्रादा ब्रेवरी के कर्मचारियों ने बियर की जगह मोलोटोव कॉकटेल बम बनाना शुरू कर दिया है। लीव यूक्रेन का ऐतिहासिक शहर है जो कि पोलैंड सीमा पर स्थित है। इस शहर के लोगों में डर है कि रूसी टैंकर्स यहां घुसकर इन्हें तबाह ना कर सके। मोलोटोव कॉकटेल पेट्रोल बम का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इस बारे में भी कंपनी के कर्मचारी ने बात की। मोलोटोव कॉकटेल पर बात करते हुए प्रावदा ब्रेवरी के कर्मचारी ने कहा कि कपड़े का अच्छी तरह से भीगने का इंतजार करना होगा। जब ये भीग जाए तो समझ लें कि मोलोटोव कॉकटेल तैयार है। इसके बाद कर्मचारी ने पेट्रोल के मिश्रण से भरी बियर को बोतल के अंदर इस कपड़े को डाला। प्रावदा ब्रेवरी के मालिक ज्यूरी जास्टानवी ने मोलोटोव कॉकटेल पेट्रोल बम के बारे में बात करते हुए कहा कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी को तो ये करना होगा। हमारे पास कौशल है। हम 2014 में एक सड़क क्रांति से गुजरे थे। बहरहाल खबरें ऐसी आ रही हैं कि खार्किव में रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है और अब कीव की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच कई तबाही के वीडियोस भी सामने आए हैं जिसे देखकर आपका भी दिल दहल उठेगा।